हेलो गाइज, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं हमारा मशीन सफल होने वाली है और किस तरीका से चल रहा है, आप लोग देखें हमारे वीडियो पे। इसका जो सेटिंग लगा हुआ था, तो दोस्तों इसका सेटिंग किसी चीज़ के कारण कि मैं कंफर्टेबल बनाने के चक्कर में मैं इसको खोल दिया, और खोलने के बाद दोस्तों इसमें जो मैंने ये छोटा छोटा गजन पिन लगाया था, तो दोस्तों जब इसके अंदर मैं डालता था तो ये थोड़ा सा आगे पीछे सरक जाता था। तो मैंने इसमें क्या किया है कि इस जगह से ये तीन पीस लगा करके नट बोल्ट से टाइट कर दिया, और बिल्कुल ये बराबर रख करके, और मैंने ग्राइंडर से बीच में हल्का हल्का रेस किए, और दोस्तों इसमें मैंने वेल्डिंग कर दिया है। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने दो तरफ इसमें अंदर के घिस करके माल काट करके और फिर इसमें मैंने वेल्डिंग कर दिया। तो उसी तरीके से दोस्तों मैंने ये दोनों पीस किया है ताकि मेरा कम्फर्टेबल हो। आप लोग अगर करें तो एक समान ऐसा रड ले लें, रड के ऊपर बुश बनवा लें, प्लेन रड ले करके उसके अंदर ऊपर का बुश बना ले, और वो बुश डायरेक्ट आप जो है इस वाले प्लेट में, ये वाला जो प्लेट है दोस्तों, ये जो मैंने बनाया है, तो इस वाले प्लेट में डायरेक्ट आप बुश को वेल्डिंग कर दे। मैंने ये सॉकर पाइप डाला है, तो मेरे पास जैसे आइडिया आया वैसे कर दिया मैंने। लेकिन क्या है कि दोस्तों, अगर आपके पास बुश हो तो ज़्यादा बेहतर हो, और रड हो तो और भी बेहतर हो। रड और बुश करें आप, सबसे बेहतर होगा दोस्तों। तो मैंने भी बेहतर करने के लिए मैंने इसमें वेल्डिंग कर दिया है, इसलिए कि ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो अब ये जो है ना दोस्तों, ऐसे या ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल ये कंफर्टेबल होगा। तो अब मैं ये लगाऊंगा, फिर देखता हूँ कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस जगह से मैंने इसको लगा दिया, और दोस्तों ये पहले से भी ज़्यादा बेहतर हुआ है, पहले से भी बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है। और दोस्तों मैंने इसमें पहले स्प्रिंग नहीं लगाया था, अब ये जो है ना दोस्तों, ये स्प्रिंग लगा दिया है कि ताकि ये जो है ना, पहले ये जा करके इसमें यहाँ टकरा जाता था, ये चीज़, ये स्टेटर जो है, जब इसको ऐसे ठेलते थे हम, तो ये जाके यहाँ इसमें टकरा जाता था इस जगह। तो दोस्तों अब जो है ना, अब ये स्प्रिंग पे, ये स्प्रिंग इधर ठेले रहता है, और मुझे जितना ज़रूरत होता है मैं उतना ही मैं यहाँ पे इसको ला के टाइट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं ये इसी तरीके से ये टाइट होगा। तो दोस्तों मैं इसका जो जो देख रहे हैं आप, ये मैंने बाना है ट्रायल में, और फाइनल ट्रायल नहीं किया है अभी। इस तरीके से देखा कि मेरा धागा कहीं अड़ तो नहीं रहा, कहीं रुक तो नहीं रहा, ये सब। लेकिन दोस्तों बहुत ही बेहतर ये बंदा है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये, मैं इसका जो बॉडी बनाया था, इसका बॉडी लगाऊंगा, अभी दो बोल्ट लगाना बाकी है। तो देख सकते हैं काफ़ी मेहनत करना पड़ता है दोस्तों मैं फिर वही एक ही बात बताऊंगा कि अगर आपने हमारे चैनल देसी जुगाड़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों देख सकते हैं इस हिसाब से ये मशीन बन रहा है। तो दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहें। सकते हैं इसके ऊपर का मैं कवर लगाऊँगा, तो 8 नंबर का नोट बोल्ट धर के नीचे नोट डाल के मैंने नीचे नोट डाल के वेल्डिंग कर दिया है इस चारों कोना में, ताकि कभी आपको खोलना पड़ सकता है। तो दोस्तों देख सकते हैं, और ये मैंने चदरा का, इसके चदरा सीट के ऊपर से मैंने ये किया है। तो देख सकते हैं ये आप इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से नोट बोल्ट करके इसमें, ये नोट बोल्ट करके मैं इसमें टाइट करूँगा, तो आप लोग देखते रहें। तो दोस्तों ये कहाँ तक पहुँची है दोस्तों, यह फाइनल होने ही वाला है दोस्तों, डिजिटल मीटर आने वाला है। तो दोस्तों देख सकते हैं, इस बैरिंग को जो मुझे मशीन में लगाना था वो भी इस जगह में दोस्तों, तो इस जगह में तो ये जो हॉल किया था दोस्तों, ये हॉल मेरा विफल हो चुका है, ये कामयाब नहीं होगा। और मैं इधर से एक पत्थर लगा कर इस टाइप से लगाऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों वो मैं बना चुका हूँ, इसको मैं काट करके, ज़्यादा भारी नहीं लिया हूँ, और इसी अंदाज में मैंने इसको मोड़ के, इसको देख सकते हैं मैं इसको बना चुका हूं, और इसको ही इस जगह छेद करके, और इसी जगह बैरिंग को आपको डायरेक्ट इसको टाइट करना है दोस्तों। तो आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहिए, देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इसको बनाया है, और इसको इस तरीके से बनाया है दोस्तों कि जो मेरा धुरी है वो इसका साइज यही है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इस हिसाब से ये हो चुका है। अब इसको थोड़ा और चांपना है, तो इस तरीके से चांपा जाएगा, और आपका ये वायरिंग, ये चक्का भी इसमें लग जाएगा दोस्तों, और ये टाइट भी हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना अच्छा से हुआ है ये वायरिंग, और अंदर ये इतना घुसेगा क्योंकि ऊपर का पोजिशन इसका कटा हुआ है। तो इस हिसाब से ये बन रहा है, और ये बहुत अच्छा बनेगा मेरे हिसाब से। देख सकते हैं मैं ये वायरिंग निकाल लिया हूँ, और इसमें मैं लगाऊँगा इसको। तो दोस्तों ये बैरिंग लग गया है, और दोस्तों इसमें हल्का सा जो है ना दोस्तों, आपको हैवी क्विक डालना है, और एक बार इसको आपको
चला के देखना है कि ये बैरिंग का होल जो एक साइड बड़ा हो रहा है हमको, तो ऐसे बबलिंग तो नहीं कर रहा है इस तरीके करके, तो आपको ऐसा साइज वाला देख के आपको चलाना है। तो दोस्तों ये आपको यहाँ से इस तरीके करके ऐसे पता नहीं चलेगा दोस्तों, देख सकते हो दोस्तों कैसा टेढ़ा हो रहा है, तो इसी को आपको सीधा करना है। तो दोस्तों इसी चीज़ को आप देखेंगे, तो दोस्तों देख सकते हैं इसका पोजीशन बिल्कुल बराबर बैठा लिया, और हल्का आपको फेविकोल डालना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप फेविकोल ना डालेंगे तो आपका ये उखड़ जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, और ऐसा फेविकोल डालना है कि वायरिंग के भीतर ना जाए, नहीं तो आपका ये वायरिंग जाम हो जाएगा दोस्तों, आप समझ सकते हैं दोस्तों। इसको बिल्कुल अंदर में नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं इसमें फेविकोल डाल चुका हूँ, बिल्कुल ठीक जा रहा है। दोस्तों देख सकते हैं ये किस हिसाब से काम कर रहा है दोस्तों, तो बड़ी बारीकी काम है दोस्तों, बड़ी प्यार से करना पड़ता है, तो आप इस तरीके से ये बना सकते हैं। और दोस्तों ये इसमें इस जगह जाके लगेगा दोस्तों, और ये तो मैंने आपको बताया कि ये किस जगह सेट होगा, तो दोस्तों देख सकते हैं ये इसी जगह यहाँ पर ये अंदर में इस तरीके करके ये लगेगा दोस्तों। ये मैं आपको लगा देता हूँ, ये दोस्तों देख सकते हैं, फिर जा करके दोस्तों इसके अंदर में यहाँ पर नोड वल्टू लग के ये रेडी होगा दोस्तों, और इसको आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, तभी ये होकर वायर पास होगा दोस्तों। तो आप लोग वीडियो पे बने रहें, तो ये देख सकते हैं ये दोस्तों, ये मैं नोट इसमें टाइट कर रहा हूँ दोस्तों। इसमें नोट टाइट करने से पहले दोस्तों दोनों साइड में वाइसर लगना मांग रहा है इसमें, ताकि वो जो वायरिंग में जाके यदि सटेगा तो इसमें दोनों तरफ से वाइसर मांग रहा है। आप चाहें तो लबड़ का वाइसर डालें, चाहे तो ऐसा वाइसर डालें कि जो दोस्तों एडजस्टिंग करे, या नहीं तो आप स्प्रिंग भी डाल सकते हैं दोनों तरफ छोटा छोटा, वरना आप हल्का सा लबड़ का ही कोई सा वायरिंग डालें। अब इसमें वायरिंग लगाऊंगा, वाइसर लगाऊंगा जब ये टाइट होगा, वरना ये आगे पीछे होगा फिर ये दिक्कत होगा। ये इस तरीका से ये आगे पीछे होगा, ये देख सकते हैं ये बॉडी इस तरीका से नहीं होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं इस जगह मैं इसको सेटिंग कर चुका हूँ, इस तरीका से आपको करना है। और ये वाला जो मैं इसमें फेविकोल साट के बैरिंग को साट के रखा हूँ, तो दोस्तों देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से चल रहा है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल प्यार से इस जगह आपको एकदम घाट देख करके, और हल्की सी ऐसा चूड़ी वाला वायसर आपको देना है दोस्तों, ताकि इसके जो है ना नीचे वाला दाना के बराबर हो। और दोस्तों अब चाहे तो ये प्लास्टिक का है कैप, मैं इसको इसलिए धर देता हूँ कि थोड़ा आसानी होगा, और दोस्तों आप चाहें तो डालें चाहे तो ना डालें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोस्तों प्लास्टिक वाली जो कैप है ना वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको निकाल दे रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके, दोस्तों देख सकते हैं इस जगह जो मेरा एक पेच लगा हुआ था, तो दोस्तों उसको बार बार रिंच के सहायता से खोलना पड़ता था, तो दोस्तों उसका मैंने एक इसमें एक चुटकी बना करके इसी बोल्टू पर मैंने वेल्डिंग कर दिया, देख सकते हैं। तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ये डायरेक्ट आप इससे चुटकी से आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों दोनों इसमें मैंने थोड़ा सा पत्थर काट के इसमें मैंने अच्छा तरीके से वेल्डिंग कर दिया। तो दोस्तों अब इसमें मैं ये लगाऊँगा तो अब ज़्यादा बेहतर रहेगा, और इंच का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसमें। तो दोस्तों इस तरीका करके ये जो दिया है दोस्तों देख सकते हैं आप, ये एडजस्टिंग के लिए है दोस्तों, ये एडजस्टिंग के लिए है।
तो दोस्तों ये टाइट हो गया है और ये इस तरीके का दोस्तों देख सकते हैं। और जो दूसरा भाग है लग जाएगा, और ये वाला हिस्सा मैं बता दूं कि ये भी नोज़ल के अंदर वाला सापाट है जिधर से ये ट्यूब के भीतर होता है। इसके बारे में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज है, तो इसका मैं एक दिन मैं सारा वीडियो अच्छे तरीके से मैं जिस जो सामान मैंने लगाया है दोस्तों वो सब के बारे में मैं वीडियो आपको ज़रूर दूंगा जो लास्ट में होगा फाइनल वीडियो के बाद, या फाइनल वीडियो से पहले मैं दे दूंगा। दोस्तों देख सकते हैं ये कितना अच्छा से दोस्तों ये चुटकी से आप टाइट कर सकते हैं। दोस्तों पहले क्या था दोस्तों कि मैं जो ये देख सकते हैं जितना भी आगे या पीछे कर रहे हैं दोस्तों बार बार इसमें रिंच लगाने का झंझट नहीं रहेगा दोस्तों। तो ये चुटकी है, तो दोस्तों इससे इसको कोई मतलब नहीं है, इससे इसको कोई मतलब नहीं है, इसी जगह हुआ। ये चुटकी है दोस्तों, बेहतर है और बहुत ही अच्छा है। दोस्तों देख सकते हैं ये कहाँ तक ये मशीन पहुँच गया है, और आपको तो मैं दिखा ही रहा हूँ। और एक चीज़ इसमें और करना है जो मैंने आपको बताया था अभी दोस्तों, पता नहीं ना जाने इसमें कितना कितना चीज़ करना पड़ेगा, अभी मॉडिफाई करना पड़ेगा, बढ़िया बनाना पड़ेगा, इस जगह डिजिटल मीटर लगेगा। तो दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहे। तो देख सकते हैं इसका और भी पीछे काम बाकी है, और ये जो बॉबिन लगा हुआ है इस जगह दोस्तों, ये झाल, तो दोस्तों ये झाल एक छोटा सा यहाँ पर लगना और मांग रहा है, क्योंकि यहाँ पर या नहीं तो ये वाले चीज़ को यहाँ पर एक झाल लगाना होगा और ये वाला चीज़ को इस जगह करना होगा दोस्तों, ये तो अनिवार्य है, ये करना ही पड़ेगा दोस्तों। वरना ये जो है ना, ये धागा यहाँ से अगर हल्का टाइट नहीं चलेगा तो इस पर जाता नहीं है दोस्तों, ये धागा उछल के गिर जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये बेहतरीन तरीका से हुआ है, जब अपने इसमें रनिंग में आता है तब भी इससे धागा नहीं टूट रहा है, सॉरी तार नहीं टूट रहा है, देखते हैं कितना पतला तार है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग हमारी वीडियो पर बने रहें, और मैं फिर कहाँ से काम करूँगा आगे वो भी मैं आपको देख सकती हूँ। इसको इस तरीके से आपको टाइट कर देना है दोस्तों, ये बिल्कुल कंफर्टेबल काम करेगा, और इस तरीके से आपको दोस्तों इसको आप ज़्यादा टाइट नहीं करना है जितना तक ये चले। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कितना फर्स्ट क्लास हो रहा है दोस्तों, ये दोस्तों ये वर्क कर रहा है। दोस्तों इसमें तार कटने की कोई झोल नहीं है, ठीक है दोस्तों, इसमें आपका कभी तार नहीं कटेगा दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं ये पुल यहाँ घूम रहा है, और ये नीचे वाला पुल यहाँ घूम रहा है, और दोस्तों ये जो बड़ा वाला पुल है दोस्तों, दोस्तों देख सकते हैं मैंने नीचे लोहा बांध रखा है, ये पुली यहाँ घूम रहा है दोस्तों, और ये मैंने बाबिन लगा रखा है। और दोस्तों देख सकते हैं कि इसका काम कहाँ तक आ चुका है दोस्तों, इसमें जो है ना दोस्तों, इसमें एकदम बीच में मेरा तार है, ये नहीं कि नीचे गिरा हुआ है या ऊपर है, बीच में है, आपको लग वैसे रहा है लेकिन ये बीच में है दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं ये तार बिल्कुल दोस्तों बीच में है। तो दोस्तों इस तरीका से आप कर सकते हैं, और दोस्तों मैं अभी तो इसमें मैं मोटा धागा वायर लगा कर हूँ, दोस्तों मैं खुद टेलर मास्टर हूँ इसलिए मेरे मुंह में धागा धागा बार बार आता है। तो दोस्तों देख सकते हैं, तो देख सकते हैं किस अंदाज में ये आपका बन रहा है और ये कितना अच्छा से काम करेगा। तो दोस्तों मैंने इसमें बिना किसी चीज़ का मैंने इसे डायरेक्ट ही बैंड किया था, तो दोस्तों एकदम परफेक्ट बैंड हो चुका था। अब मैं इसमें छोटा धागा लगा मैं पतला वाला वायर लगा करके मैं करूँगा, तो देखेंगे दोस्तों कि इसका रिजल्ट क्या आता है। दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहे। तो दोस्तों मैं इस जगह अब डिजिटल मीटर और पुश बटन का काम बाकी रहा दोस्तों, तो मैं अब डिजिटल मीटर मैंने ऑर्डर दे दिया, दिल्ली से आएगा, एक मेरा मासी भाईजान है उनका भी बड़ा शॉप है जीवी रोड पर उसी दरमियान में, तो वही भाई साहब हमको भेजेंगे। तो दोस्तों इस तरीका करके आप देख सकते हैं, वो जब भेज देंगे तो मैं इसका भी फाइनल वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, और इस तरीका करके ये और बहुत अच्छा है। मासी भाई से मैंने बात भी किया था तो उन्होंने भी देखा और वीडियो कॉलिंग भी किया था, बोला बहुत अच्छा है मसी। फर्स्ट क्लास हो रहा है, इस पर का सामान नहीं पाएगा। लेकिन मैं
यह हमारा मेहनत सफल हो जाएगा। और मैंने इसको इतना भर दिया है, अब देखिए कितना अच्छा और कितना अच्छा टाइट भरा गया दोस्तों, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और दोस्तों मैं बोलूँ तो ये तार 35 नंबर भी नहीं है दोस्तों, ये तार 37 नंबर है, वो भी अल्मीनियम बैंडिंग है दोस्तों। ये अल्मीनियम तार है, बहुत 37 नंबर तार है अल्मीनियम दोस्तों। इसकी जो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये अल्मीनियम तार है 37 नंबर, लेकिन इसके कितना अच्छा से ये चला है दोस्तों, बिल्कुल बेहतरीन तरीका से ये बांध रहा है। अब इसको मैं बांध सकता हूँ दोस्तों, ये टूटा भी नहीं और बेहतर तरीका से ये चला। और मैं अपने लड़के से बोलूँगा एक बार और बटन दाबेगा, उसके बाद मैं देखूँगा कि किस तरीका से ये चल रहा है। चलो दाबना बटन। तो दोस्तों कितना अच्छा से चल रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा से चल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त इसका कॉइल बैंडिंग हुआ। मैं खोल के दिखाने का कोशिश करूँगा आपको। और दोस्तों मैं इसका डाई भी टाइट नहीं किया था, देख सकते हैं मेरा डाई भी इधर ये ढीला ही रह गया, फिर भी कोई हर्ज नहीं हुआ। तो दोस्तों देख सकते हैं ये आपका किस हिसाब से ये बैंड किया गया दोस्तों। मैं इसमें पूरा ही वे फिर नेक्स्ट टाइम जो मैं वीडियो दूंगा, तो दोस्तों ये वीडियो जो जाएगा दोस्तों ये पार्ट पाँचवा में जाएगा दोस्तों, ये पाँचवा पार्ट पे जाएगा ये वीडियो। तो दोस्तों देख सकते हैं किस हिसाब से ये बैंडिंग हुआ है, और बहुत ही बारीक तार है दोस्तों, 37 नंबर तार है, वो भी अल्मीनियम दोस्तों, देख सकते हैं इतना अच्छा से ये हुआ दोस्तों। तो इसमें टर्न ज़्यादा लग गया, टर्न हालाँकि हमको कम देना चाहिए, और इसमें टर्न ज़्यादा लग गया और बहुत टाइट भरा गया दोस्तों, क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ही टाइट और बहुत ही अच्छा भरा गया, कोई भवरेट नहीं आएगा दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने किस तरीका से इसको किया और अंजाम दिया, ये चलने पर तो ये तो पता भी नहीं चलता कि किस हिसाब से ये स्पीड रन कर रहा, लेकिन रन तो करता होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा दिलो दिमाग में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।